नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद्यालय में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी एनएचएम ने यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज निकाली हैं, जो टोटल 4000 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मांगा गया है। बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो पोजिशन का नेम देखें, यहाँ पर CHO की वैकेंसीज है, यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। टोटल वैकेंसीज में अगर देखें तो UR की आपकी 1600 वैकेंसीज हैं, EWS में 400, OBC में यहाँ पर 1080, SC में 840, ST में 80 और PWD में 160 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। बाकी की डिटेल्स वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/12/2022 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 13/12/2022 रहेगा। यहाँ पर बाकी की गाइडलाइंस आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आपको दी गई हैं, कैंडिडेट्स को क्या करना है। कैंडिडेट्स हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग एज CHO इन उत्तर प्रदेश कर रहा है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा इस पोजीशन के लिए, अगर आप पहले से CHO की पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर BSc नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, CCHN या फिर पोस्ट बेसिक आपका होना चाहिए BSc नर्सिंग में विद इंटीग्रेटेड करिकुलम, और CCHN यहाँ पर होना चाहिए फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका होना चाहिए, जो कि एकेडमिक ईयर 2022 ऑनवर्स शैल बी एलिजिबल है, वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया कि लेस देन 35 ईयर्स एज आपका होना चाहिए, 21/10/2022 को आपका एज काउंट किया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी है एज पर द यूपी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर नर्स, आप नर्स के लिए कर सकते हैं, मिडवाइफ्स के लिए कर सकते हैं, ये आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लोकेशन, प्रिफ्रेंसेस एंड ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो अप्लाई करने से पहले आपको ये फुलफिल करना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या नहीं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट टू बी वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स का होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस है आपका अलॉटमेंट सेंटर का, जो आपको शॉर्टलिस्टेड होने के बाद दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपर एज लिमिट की। तो 21/10/2022 को 35 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, और एज रिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो 3 ईयर्स रहेगा OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 5 ईयर्स SC ST के लिए रहेगा, और डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए आपका 10 ईयर्स यहां पर रहेगा अनरिजर्व के लिए, 13 ईयर्स नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो OBC के कैंडिडेट्स हैं, और 15 ईयर्स SC ST के लिए रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपको नील दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।